नमस्कार, प्रवासी के डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू मटर और बैंगन की सब्जी, जो खाने बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए बनाते हैं आलू बैंगन और मटर की सब्जी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये मैंने 250 ग्राम बैंगन, इसे मैंने लंबे टुकड़े में काट करके और पानी के अंदर डाल दिया है। दो बड़े आलू को मैंने छील कर और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसे भी मैंने पानी में डाल दिया है, जिससे आलू हमारे काले न पड़े और बैंगन भी काले न पड़े, इसलिए मैंने इसे पानी में डाला हुआ है। दो हमने हरे लहसुन लिए हैं, देखिए इस तरीके से, और मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और रख लिया है। आप इसी जगह सूखा लहसुन भी ले सकते हैं। एक प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटा हुआ है। दो हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और एक टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस करके रखा है। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। मैंने हरी मिर्च ली है इसलिए मैंने कम तीखी मिर्च ली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप और तीखा खाना पसंद करें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं। दो टुकड़ा दालचीनी का और दो हमने तेज़पत्ता लिया है। एक चौथाई चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच हरी धनिया कटी हुई और एक कटोरी मैंने हरी मटर ली है, फ्रेश मटर लिया है मैंने। चार चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, दो टमाटर छोटे टुकड़े में कटे हुए। अब इस सब्जी को बनाना शुरू करेंगे। और इस सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, आप कुकर में भी इस सब्जी को बना सकते हैं। और मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसके अंदर तेल डाल देंगे और तेल हमारा गर्म हो जाएगा। इसके अंदर हम जीरा डालेंगे और इसके अंदर दालचीनी और तेज़पत्ता भी डाल देंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर मसाले डाल देंगे, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक मिनट तक मैंने मसालों को तेल के साथ भून लिया है। अब इसके अंदर कटे हुए आलू डाल देंगे और दो मिनट तक आलू को भी मसाले के साथ भूनेंगे। आलू को मैंने दो मिनट तक तेल के साथ भून लिया है और इसके अंदर हरी मटर डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ कटे हुए बैंगन भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसे मिलाने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे दो मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए बैंगन हमारा हल्का सा गल चुका है और आलू भी इसके साथ भून चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, फिर मिक्स करेंगे। इसी के साथ इसमें नमक डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। एक छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे, हमने एक चौथाई कप पानी इसके अंदर डाला है। अगर आपको इसमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इस पर ढक्कन लगाएंगे। इसे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे, बीच में एक बार इसे हम चला लेंगे। 5 मिनट बाद सब्जी को चेक करेंगे, सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है। मैंने आज को मीडियम किया हुआ है। आलू को हम चेक करेंगे, आलू हमारी अभी थोड़ी सी कच्ची है, इसे हम मिला देंगे और इस पर ढक्कन लगाएंगे। जब तक आलू हमारी अच्छी तरीके से नहीं पक जाती है तब तक इस सब्जी को हमें पका लेना है। सब्जी को चेक करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। आलू हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे
हरी धनिया और गरम मसाला हम बाद में डालते हैं, जिससे सब्जी में इसकी खुशबू अच्छी तरीके से बनी रहे। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसके ऊपर एक मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा देंगे। एक मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे और सब्जी को मिक्स करेंगे और सब्जी में से हमारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को हम बाउल में निकालेंगे और इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे। और हमारी बैगन आलू और मटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ या पराठे के साथ खाइए, ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।